जब देश में लोग नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, तब शाम को ही एक बुरी खबर लोगों को मिली। इंटरनेशनल सिंगर और उसके परिवार की तेज धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। उसका 10 साल का बेटा रहस्यमय हालत में गायब था, उसकी भी बॉडी मिल गई है। एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। दिल दहला देने वाला मर्डर केस की यह घटना उत्तर प्रदेश के शामली की है। जनपद शामली में मंगलवार को ट्रिपल मर्डर होने के बाद सनसनी फैल गई। अंतरराष्ट्रीय सिंगर अजय पाठक सहित परिवार की तीनों सदस्य की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। शामली ट्रिपल मर्डर में मृतक अजय पाठक के बेटे भागवत पाठक का पानीपत टोल प्लाजा के पास से शव मिला है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गाड़ी और शव में आग लगाने का प्रयास कर रहा था। बताया जा रहा है कि हिमांशु नाम का युवक है जो गाड़ी और शव में आग लगाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसको मौके पर दबोच लिया। अजय पाठक के साथ साथ उनकी बेटी वसुंधरा पाठक और पत्नी स्नेहा पाठक सहित परिवार के तीन सदस्यों की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। घटना थाना आदर्श मंडी क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी की है। यहाँ पर भजन कीर्तन गाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सिंगर अजय पाठक अपने परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि बीती रात से ही अजय पाठक का घर बंद था। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस को सूचना मिली कि बंद मकान के अंदर अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहा पाठक और पुत्री वसुंधरा पाठक की डेड बॉडी पड़ी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई, जहां अजय पाठक की बेटी वसुंधरा, पत्नी स्नेहा पाठक की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक अजय पाठक का 10 साल का बेटा भागवत भी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता था। पुलिस ने बुधवार को अगवा बेटे का अधजला शव हरियाणा के पानीपत से बरामद किया है। इनकी इको स्पोर्ट्स कार भी गायब है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक विनीत जसवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं बंद मकान के अंदर तीनों की डेड बॉडी को कब्जे में लेते हुए घटना की फोरेंसिक जांच बुलाई। बता दें कि शामली के विख्यात भजन गायक पंजाबी कॉलोनी निवासी अजय पाठक, पुत्र हंसराज पाठक को अपनी पत्नी स्नेहा पाठक सहित मंगलवार को सुबह 5 बजे करनाल में ससुराल जाना था, जिसको लेकर सोमवार को अजय पाठक तैयारियों में जुटे थे। मकान के अंदर पीछे बने कमरे में अजय पाठक के चाचा दर्शन लाल पाठक भी सो रहे थे। मंगलवार को शाम 4 बजे अजय पाठक का दरवाजा तो खुला था, लेकिन घर से गाड़ी गायब थी। मोहल्ले व अन्य परिजनों ने देखा कि घर खुला है, तब मकान के अंदर पहुंचे लोगों ने देखा कि मकान के अंदर कटी फटी अवस्था में अजय पाठक, स्नेहा पाठक के अलावा उसकी बेटी वसुंधरा पाठक की लाश पड़ी है। घर का सामान बिखरा हुआ है, घर की अलमारियां खाली है तथा घर में से अजय पाठक का 10 साल का बेटा भागवत पाठक व गाड़ी इको स्पोर्ट्स भी गायब है। यह सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही आदर्श मंडी थाना प्रभारी करमवीर सिंह तथा सीओ सिटी जितेंद्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए डॉग स्क्वाड के अलावा फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाकर जांच शुरू की। घर में हमें तो जब पता लगा, सामने कमरे में मारी बेटी है, वसु भतीजी मारी, वो मरी पड़ी थी, ऊपर बेडरूम में ताला था। मैं तो उसे वसु को देख के वापसी भाग गया, बाहर मेरी तो हालत होगी खराब। बाद में उस गाड़ियों का फोन आया, मारा तो ना हुआ पड़ा, आज ये स्नेह को दोनों को मार रखा। बस मैं भागा भागा गया तो मैंने देखा जी को यहाँ से काट रखा, स्नेह सारी कुन्नम कुन हो रही, किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा उसे। अच्छा बेटा भी था, बेटा मिला है? बेटे का मारे का पता नहीं, मेरे बच्चे का कहाँ है, वो छोटा 11 साल का बच्चे का पता नहीं मारे जी कहाँ है। गाड़ी भी साफ है, हम सोच रहे करनाल गए थे, रात कर रहा था घर रात। क्या करते थे जो अजय पाठक जी थे? ये तो वो था भाई, गायक नहीं था, क्या जागरण वाला। अच्छा कोई लूट पाट तो नहीं हुई घर में? किस तरीके? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, पुलिस वाले फिर बाद में अंदर किसी को जाने नहीं दिया। वो भाई बता रहे कि हाथ में अंगूठी नहीं है उनके, अरे या चैन नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता ज़्यादा इससे, मुझे जाने नहीं दिया फिर पुलिस वालों ने अंदर। सर मर्डर हुआ है, किस तरह से जांच करी में सर लगाई गई? देखिए शाम में सूचना मिली थी, उस समय फिर जानकारी प्राप्त की गई है, तो अजय पाठक, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, तीन लोगों की जो है धारदार हथियार से हत्या की गई है। हम लोग मौके पर ही घटनास्थल मौजूद हैं।
इनका एक पुत्र भी है जो फिलहाल उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। इनके भाई और परिवारजनों से बात की गई है। घटना का समय अभी क्लियर नहीं है, संभवतः 12 बजे के पूर्व होना चाहिए। इनके भाई जो हैं 12 बजे लगभग आए भी थे घर पर, तब ये अंदर कमरा बंद मिला था। इस फिलहाल अभी इसमें शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टीमें गठित की गई हैं, CCTV फुटेज से लेकर के फॉरेंसिक टीमें और डॉग स्क्वाड आदि सभी बुलवाया गया है और इसकी विवेचना इसमें तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है कर रहे हैं और जल्द ही इस घटना का घटना कारण क्या माना जा रहा है। कारण फिलहाल जो घटनास्थल निरीक्षण से प्रथम दृष्टया लूटपाट की कहीं बात नहीं लग रही है। जिस तरह से निर्ममता से हत्या की गई है तो संभवतः रंजिश की संभावना अधिक है। फिर भी अभी हम लोग हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं और अभी इस स्टेज पे और ज़्यादा डिटेल्स देना थोड़ा मुश्किल है। सर, अलग अलग रूम में हत्या की गई है, अब ये सब सभी विवेचना और जांच का विषय है। अभी इस स्टेज पे कुछ भी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।